नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इंदौर से खंडवा जाने वाले मार्ग की तस्वीरें हैं। और अगर आप कभी इंदौर से ओंकारेश्वर भी गए हों, जहां महाकाल की नगरी ओंकारेश्वर में तीर्थ स्थल है, तो भी इसी मार्ग से इंदौर से ओंकारेश्वर जाया जाता है। और ये जो रास्ता है, ये करीबन 20 से 25 किलोमीटर जंगलों से होकर गुजरता है और सतपुड़ा के पर्वत इस पूरे जंगल को हम कहते हैं। और आप देख सकते हैं सामने, जैसा सड़क पर अगर आप देख रहे हैं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, ये इंदौर से खंडवा बुरहानपुर होकर महाराष्ट्र जाने वाला एक मार्ग है। और ये मार्ग पिछले कई वर्षों से मतलब करीबन 40-50 वर्षों से इसी तरह से बना हुआ है, जिसकी चौड़ाई आप देख रहे हैं कितनी कम चौड़ाई है इस रास्ते की। और ये पिछले कई सालों से यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है, ये मार्ग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ता है। इंदौर से होते हुए जो गाड़ियाँ उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जाती हैं, जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जाती है, उन गाड़ियों को इस रास्ते से जाना होता है। और यहाँ पे यातायात का लोड भी होता है और साथ में यहाँ पर ये पूरा एक घाट सेक्शन है। इंदौर से करीबन 20 किलोमीटर बाहर आने के बाद यहाँ ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में पूरा जंगल वाला जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ घाट सेक्शन होता है। और यहाँ आए दिन, हर दूसरे चौथे दिन जाम लग जाते हैं, गाड़ियों के चक्के जाम हो जाते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जैसा कि चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ों के बीच से ये रास्ता निकला है। बहुत सुंदर रास्ता है। बरसात के दिनों में इस रास्ते को हम हिमाचल और कश्मीर से भी कंपेयर कर लेते हैं। जब यहाँ हरियाली बहुत होती है, तब यहाँ पर छोटे छोटे पानी के झरने जगह जगह से निकलते हैं और साइड में एक नदी भी चलती रहती है, उस नदी में भी काफ़ी पानी बरसात के दिनों में आ जाता है। लेकिन जो बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो रास्ता है, ये राज्य मार्ग है, मध्य प्रदेश का राज्य मार्ग है। और यहाँ पर पिछले तमाम वर्षों में इस सड़क पर यातायात का जो दबाव है वो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस सड़क को चौड़ी अभी तक नहीं कर पाई है। इस सड़क को 4 लेन में अभी तक तब्दील नहीं किया गया है या नहीं कर पाई है। और ये बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आए दिन इस रास्ते पर चक्का जाम होता है गाड़ियों का, यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, तो यहाँ पर इतनी कम चौड़ी जगह है, ये इतनी कम सकरी सड़क है कि दो बड़ी गाड़ियों के बाद एक छोटी बाइक को भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, वो भी ओवरटेक नहीं कर सकती है। तो इतना ट्रैफिक का दबाव होने के बाद इन जंगलों में जब जाम लगता है तो लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है। और ऐसे हालात में कई परिवार, कई गाड़ी की सवारियां दो दो घंटे, चार चार घंटे इस जाम में फंसी रहती हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मोबाइल के टावर नहीं मिलते हैं। ऐसे कई मोड़ यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने को, जहाँ मोबाइल के टावर आपको नहीं मिलते हैं। ऐसे हालात में सवारियाँ बसों में, कारों में, अन्य वाहनों में फंसी होती हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार की इसे हम विफलता कहेंगे कि पिछले कई सालों से यहाँ पर 4 लेन
बनाने का प्रस्ताव तो रखा हुआ है और शायद वो प्रस्ताव पारित भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक भी इस रास्ते को चौड़ा करने की शुरुआत नहीं हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना ट्रैफिक है इस सड़क पर, और यहाँ एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ही कम चौड़ी रास्ते पर बाइक सवारों को भी निकलना है, इतने ही कम चौड़े रास्ते पर कारों को भी निकलना है, और बसों के तो जो हाल है यहाँ पर, जो इंदौर खंडवा की, इंदौर बुरहानपुर की जो बसें चलती हैं वो इतनी लापरवाही से, इतनी अंध गति से, इतनी तेज गति से वो बसों को चलाते हैं कि उन बसों के कारण भी बहुत सारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। कई बसें यहाँ पर खाई के अंदर पलटी खा चुकी है। अभी आप सामने देख रहे हैं कि आर्मी की ट्रक खड़ी है, और ये जो ट्रक इसलिए यहाँ खड़ा है कि यहाँ से ही पास में महू है। महू मध्य भारत का छावनी केंद्र है, और यहाँ पे इन जंगलों में आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, पहाड़ों पर चढ़ना, वहाँ फायरिंग करवाना, और तमाम तरह की इनकी जो अन्य ट्रेनिंग के हिस्से होते हैं वो यहाँ करवाया जाता है। इस जंगल में सड़क के दोनों ओर काफ़ी सारे जंगली जानवर भी है। यहाँ पर तमाम सारे तेंदुए बहुत ज़्यादा तादाद में है, यहाँ हिरण भी है, यहाँ बहुत सारे अन्य जंगली जानवर भी हैं, और कभी कभी इन्हीं जंगलों में से ये जंगली जानवर और विशेषकर तेंदुआ भटक कर इंदौर की ओर आ जाते हैं, शहर की ओर आ जाते हैं। अब जब हम शहरों को छोड़ के जंगलों की तरफ जा रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, उनके जंगलों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो फिर जानवर क्या करेगा, जानवर शहरों की तरफ आ जाता है। तो ये जो रोड है इसको आज तक 2022 चल रहा है और अभी तक यहाँ पर 4 लेन का कार्य शुरू नहीं हुआ है, और ये बहुत मध्य प्रदेश का बहुत प्रमुख मार्ग है, ये राज्य मार्ग बहुत महत्वपूर्ण राज्य मार्ग है और जो इंदौर से महाराष्ट्र को जोड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाने वाले जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कमर्शियल व्हीकल्स कितने ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। जो लोग यहाँ से भुसावल, जलगांव, अमरावती, नागपुर, धूलिया, शिरडी की तरफ जो गाड़ियाँ जाती है, औरंगाबाद की ओर जो गाड़ियाँ जाती हैं, कुल मिला के महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में को ये सड़क जोड़ती है इंदौर से। करीबन इंदौर से 220 किलोमीटर मध्य प्रदेश का हिस्सा है इस रोड पर। पहले इस रोड पर टोल हुआ करता था, ये टोल रोड थी। अब ये रोड टोल रोड नहीं है, पिछले करीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए, 3 साल लगभग हो चुके हैं, ये रोड टोल रोड से हट चुकी है। यहाँ जो टोल था वो हटा दिया गया है, अब यहाँ टोल नहीं लगता है। जब ये रोड टोल रोड थी तो ये यहाँ पे सड़क पर किसी भी तरह का कोई भी गड्ढा नहीं होता था, सड़क एकदम चिकनी होती थी, बढ़िया होती थी, उसमें मार्किंग वगैरह बहुत प्रॉपर की जाती थी। लेकिन जब से ये रोड का टोल समाप्त हुआ है पिछले करीब 3 सालों से, उसके बाद ये हालात है कि ये हर साल बारिश के अंदर ये रोड पूरी तरह से टूट जाती है। अभी भी आप देखेंगे कि सड़कों पर पेच वर्क बहुत किया हुआ है जगह जगह। अब ये पेच वर्क इन्होंने, ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स होती है, जो पत्थर होते हैं सीमेंट के, उनसे इन्होंने रिपेयरिंग करी, जिससे कि गाड़ियों में दचके बहुत ज़्यादा आते हैं, और इन पेच वर्क से उल्टा एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि इन पेच वर्क पर जाकर छोटी गाड़ियों का विशेषकर बैलेंस बिगड़ जाता है, टू व्हीलर का, क्योंकि ये जो पेच वर्क है ये लेवल में नहीं है, ये समतल नहीं है, ये कहीं से ऊंचे हैं, कहीं से नीचे हैं। अब ऐसे हालात में जब ये रात के समय विशेषकर, ये पूरा जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह की कोई आबादी नहीं होती है, और अगर आबादी भी है तो काफ़ी 2-2, 5-5 किलोमीटर के गैप में है, तो ऐसे में जब कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसे कोई मेडिकल सहायता या किसी भी तरह की सहायता मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं इस पूरे वीडियो में आपसे सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर इंदौर है, और ये इंदौर शहर
जो कि पूरे मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, ऐसे शहर को जोड़ने वाले, अगर ऐसे शहर की तरफ आने वाली सड़कें अगर अभी इतने पुराने ढांचे में होंगी, इतनी छोटी और सक्रिय होंगी, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश विकसित राज्य या विकासशील राज्य बन रहा है। सबसे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रदेश का, किसी भी राज्य का, वो वहाँ की सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता अच्छी सड़कें होता है। अच्छी सड़कें अगर उस राज्य में होती हैं तो वहाँ पर वहाँ का विकास की पहली पहचान, सबसे प्राथमिक पहली पहचान होती है अच्छी सुगम सड़क, जिससे कि सही और समय पर यातायात चल सके। लेकिन ये जो मार्ग है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला मार्ग है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार अभी तक पिछले करीबन चार बार से, मतलब 20 वर्ष, करीबन 17 से 18 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ पे बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार है, और इतने वर्षों में यहाँ पर कई बार सड़क के सर्वे करवा चुके हैं वो, लेकिन अभी तक ये सड़क बन नहीं पाई है। और अब तो हालात ये है कि हर दूसरे दिन ही सड़क पर जाम लगता है, यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं, क्योंकि ये जंगली क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत सारे कर्व हैं, घुमावदार सड़कें हैं, और उस कारण से कोई बड़ी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है या किसी कारण से वो एक्सीडेंट उसका हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ पे सड़क पर यातायात टूट जाता है। और ऐसे तमाम लोग हैं जो इंदौर से आसपास के छोटे छोटे शहरों में, बड़वा है, सनावद है, इस बेल्ट पर, इस रोड पर आने वाले ये छोटे नगर हैं, और यहाँ से काफ़ी लोग अप डाउन करते हैं, जो इंदौर में नौकरी कर रहे हैं या जो छोटी जगह पे जाके अपना काम कर रहे हैं। और उन्हें रोज़, ऐसे कई लोगों को से मेरी बातचीत हुई है कि जो बसों से अपने इंदौर की ओर वापस आते हैं या इंदौर से अपने घर की ओर, ऐसे लोग जाम में जब फंसते हैं तो वो रात की 2 और 3 बजे अपने घर पहुँचते हैं। कई बार तो इतने बुरे हालात होते हैं कि उन्हें उस बस को छोड़कर दूसरे पैदल चलना पड़ता है कई किलोमीटर, और आगे जाके कोई दूसरी बस पकड़नी पड़ती है जंगलों में। आप सोच सकते हैं कि हम 21वीं शताब्दी के अंदर इतना भी अगर हमारे प्रदेश का, हमारी सरकार डेवलपमेंट नहीं कर पाई कि यहाँ पे एक 4 लेन की अदद आवश्यकता है पिछले कई वर्षों से, और वो अभी तक नहीं बन पा रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हमारी सरकार इतनी उदासीन क्यों है इन इन चीजों पर? जब तक सड़क पर टोल था तो सड़क बहुत सुगम थी, बहुत अच्छी थी, और जब से टोल हट गया है तो सड़क के हालात भी खराब हो गए हैं। सड़कों में हर साल इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं हर बारिश में, और हर बारिश के करीबन 3-4 महीने बाद, यानी दीपावली के आसपास, अक्टूबर नवंबर के महीनों के बीच में सरकार यहाँ थोड़ा फंड जारी करके पेच वर्क करवाती है। पिछले 3-4 सालों से तो यही, जब से टोल बंद हुआ है, यही देखने में आ रहा है। मतलब प्रश्न यहाँ ये है कि अगर टोल लिया जाएगा तो ही अच्छी सड़क दी जाएगी, अगर टोल नहीं लिया जाएगा, अगर टोल नहीं दे रहा है कोई गाड़ी चालक, अगर वहाँ टोल की व्यवस्था ही नहीं है आपकी ओर से, तो क्या आप अच्छी सड़क नहीं देंगे? क्या अच्छी सड़क सिर्फ वहीं मिलेगी जहाँ आपसे टोल के रूप में उस सड़क पर चलने का पैसा लिया जाता है? जब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो उस वक्त सरकार RTO के माध्यम से रोड टैक्स के रूप में उससे हजारों रुपए की राशि, या जैसी गाड़ी की कीमत के अकॉर्डिंगली, उस राशि को पहले ही ले चुके होते हैं। नगर निगम पार्किंग शुल्क भी निगम के द्वारा उसी वक्त ले लिया जाता है गाड़ियों से, और उसके बावजूद शहर के किसी भी स्थान पर आपको अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो सरकारी पार्किंग में भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, जबकि आप 500 रुपये, इंदौर की अगर हम बात करें तो 500 रुपये एक छोटी गाड़ी से, 2-व्हीलर से, और करीबन 2500 रुपये एक 4-व्हीलर से पार्किंग शुल्क गाड़ी खरीदते वक्त ही नगर निगम चार्ज कर लेता है। गाड़ी की कीमत में ही जोड़ के उसे शोरूम के माध्यम से ही वहाँ तक रसीद कटवाई जाती है नगर निगम से, तब वो गाड़ी रजिस्टर्ड होती है।
तो देखिए, बोलने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपसे इसी तरह से कई मुद्दों पर आगे भी बात करता रहूंगा और आप अपने सुझाव, आप अपने विचार, आप अपनी सोच जरूर मेरे साथ साझा करें। आप जरूर बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही और सटीक खबरें, और खबर ही नहीं, वो मुद्दे हम आप तक लेकर आएंगे, वो मुद्दे हम आपको बताएंगे, वो बातें हम आपको बताएंगे जो शायद कोई भी बड़ा मीडिया, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो टीवी टेलीकास्ट के मीडिया हो, वो आपको नहीं बताएंगे। पिछले तमाम आप हमारे अगर वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ये स्पष्ट नज़र में आएगा कि हमारी कोशिश ये कि हम इंदौर की हर उस कमी को जनता तक दिखाएं, और हमारा उद्देश्य जनता को कमी दिखाना ये नहीं है कि हम इंदौर को नीचा दिखा रहे हैं, या हम इंदौर की बुराई कर रहे हैं, या हम इंदौर का खराब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये कमियां देखने के बाद हमारा इंदौर का प्रशासन उसे सुधारें, हमारे लोग उसे सुधारें। इसमें जन भागीदारी की भी हमेशा आवश्यकता है। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, तमाम वीडियोस में मैं लोगों को भी उतना ही टोकता हूँ। अगर मैं प्रशासन की कमी बताऊँगा तो मैं आपको जनता की कमियाँ भी बताऊँगा। कई लोग जो सड़कों पर थूक देते हैं, उस पर भी हमने प्रयास किया है लोगों को समझाने का। और कई लोग कचरा फैलाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जो चाय पान की दुकानें होती हैं उसके बाहर आप हमेशा देखेंगे गंदगी होती है। अब ये हर वक्त हर जगह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग नहीं जा सकते, और अगर उनके बिना भी हमें इतना समझना होगा, ये जिम्मेदारी हमें लेनी होगी कि हम इतना समझ सकें कि हमें यहाँ गंदगी नहीं करना है। ये जैसे हम हमारे घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें हमारे शहरों को भी साफ रखना है। ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होती है, ये सिर्फ प्रशासन की नहीं है। ये तो एक जागरूकता का विषय है, ये एक वो विषय है जिसे, जैसे हम हमारे घर में रोज़ सफाई करते हैं और साफ रखते हैं जहाँ हम रहते हैं, उसी तरह ये शहर है जहाँ हम रहते हैं। हमें अपने शहरों को, अपने गाँवों को, अपने नगरों को भी उतना ही साफ रखना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए हमें किसी सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा कि हम, अब देखिए यहाँ पर एक आप देखेंगे कि ये उल्टी दिशा से बस नीचे आ रही है और हम उसके विपरीत दिशा से ऊपर जा रहे हैं। ये इंदौर का और मैं कहूँगा शायद मेरे जितनी जानकारी में मैं हिंदुस्तान में घूमा हूँ, मैंने इस तरह का टर्न पहले कभी कहीं नहीं देखा। ये टर्न उल्टी दिशा से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, विपरीत दिशा से, और विपरीत दिशा से भारत का जो ट्रैफिक चलता है, जहाँ से आप बाएं से और दाएं से जिस तरह से चलते हैं, ये उसके विपरीत दिशाओं में गाड़ियाँ ऊपर और नीचे जाती हैं। यहाँ इसके कारण कई कन्फ्यूज़न होते हैं, और यहाँ पर ये एक्सीडेंटल पॉइंट, एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है इस एरिए का। यहाँ पर अभी हम आपको गाड़ी रोक कर वो बोर्ड दिखाएंगे जहाँ पर साफ उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ से गाड़ियाँ उल्टी दिशा में नीचे जाएंगी। और उसी तरह बोर्ड नीचे भी लगा था जब हम घाट चढ़ रहे थे कि उल्टी दिशा से गाड़ियाँ ऊपर आएंगी। देखिए ये बोर्ड पीछे लगा हुआ है, हम आपको कैमरामैन को कहेंगे दिखाएं, ये जूम करके दिखाइए थोड़ा। यहाँ लिखा हुआ है सावधान, घाट उतरने हेतु कृपया उल्टी दिशा में दाहिने हाथ की ओर चलें। यानी वो आपको विपरीत दिशा से नीचे उतरने की सलाह दे रहे हैं, वहाँ पे लिख रहे हैं। अब ऐसे में ये हिंदी में लिखा है, अब यहाँ इंग्लिश भी नहीं लिखी गई है, यहाँ कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा भी नहीं लिखी गई। और ऐसा हमने, चूँकि मैं इस सड़क को कई बार उपयोग करता हूँ, तो मैंने ऐसा तमाम बार नोटिस किया है कि ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ये जो ट्रक होते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान से होते हैं, और इसमें तमाम ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो साउथ इंडियन होते हैं, जो दक्षिण भारत की राज्यों से इस ओर आते हैं, तो उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आती है। ऐसे में वो लोग अपनी गाड़ियों को जो नियम के हिसाब से, जो सीधी तरह से, जो नीचे उतरना चाहिए कि उल्टे हाथ से नीचे उतर रहे हैं, सीधे हाथ से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो उसी दिशा में चलते हैं।
और उसमें होता ये कि आगे जाकर आमने सामने गाड़ियां लग जाती हैं और एक्सीडेंट होने का खतरा बन जाता है। तो कम से कम पहले तो इस घाट को थोड़ा सा अगर कर्व सुधारा जाए, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा पहाड़ काटना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्कल बड़ा करना पड़ेगा, कर्व को बड़ा करना पड़ेगा और उसके बाद आराम से गाड़ियां अपनी ही दिशा में ऊपर और नीचे आ जा सकती हैं। तो देखिए बातों बातों में हम पूरा घाट चढ़ चुके हैं, इसे भेरू घाट कहा जाता है। ये जो घाट अभी हमने आपको दिखाया है चढ़कर, ये पूरा एक भेरू घाट है और सामने एक बोर्ड लगा है। अब आप देखेंगे यहाँ से जूम करके, अगर आपको दिख पाएगा हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इस पर लिखा है महू 17 किलोमीटर, इंदौर राइट टर्न दिया है 23 किलोमीटर। तो चलिए अभी के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे फिर अगली बार एक अच्छे वीडियो में मुलाकात करेंगे और आपको इसी तरह से आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की चर्चाएं आपके हमारे बीच होती रहे। तो चलिए अभी के लिए नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद।